अपने दौर के जाने माने हैंडसम कहे जाने वाले अभिनेता विनोद खन्ना का लंबी बीमारी के बाद मुंबई में निधन हो गया है। कैंसर से जूझ रहे विनोद खन्ना का 70 साल की उम्र में निधन हुआ है। वो अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में मंत्री बने थे। पिछले कुछ दिनों से मुंबई के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। कुछ समय पहले उनकी एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें वो काफी कमजोर और बीमार नजर आ रहे थे। विनोद खन्ना ने बतौर विलन फिल्म इंडस्ट्री में करियर की शुरुआत की थी। हालांकि एक समय पर ओशो से प्रभावित होकर उन्होंने संन्यास भी ले लिया था। बाद में उन्होंने फिर वापसी की। विनोद खन्ना की अमर अकबर एंथनी, हेरा फेरी, द बर्निंग ट्रेन, मुकद्दर का सिकंदर, परवरिश, दयावान और कुर्बानी जैसी फिल्मों को खूब सराहा गया था। विनोद की पहली शादी 1971 में गीतांजलि से हुई थी। पहली शादी से दो बेटे राहुल खन्ना और अक्षय खन्ना हैं। ओशो के अनुयायी बनने के बाद परिवार से दूरी बन गई और उनकी पहली शादी टूट गई। फिर उन्होंने 1990 में कविता से शादी की। दूसरी शादी से उनके एक बेटा साक्षी और एक बेटी श्रद्धा है।